दोस्तों हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों बड़ी संख्या में हर साल मिसाइल और परमाणु बमों का उत्पादन हो रहा है। हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें बताने वाले हैं, जिनकी मारक क्षमता क्या है और इनके निर्माण में किन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें सबसे पहली मिसाइल का नाम आता है R-36 सीरीज, जो कि 10,200 से 16,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और ये मिसाइल रशिया की है। R-36 रूसी इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, जिसे ICBM कहा जाता है और अंतरिक्ष लॉन्च वाहनों की एक श्रृंखला है। इसे शीत युद्ध के दौरान डिजाइन किया गया था। इस श्रृंखला की मिसाइलों को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें कहा जाता है। R-36M2 का सबसे पहला प्रसारण 1974 में किया गया था और जब से लेकर अब तक R-36 श्रृंखला में कई बदलाव किए जा चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि R-36 में 10 से अधिक हथियारों या वारहेड को ले जा सकती है, यानी कि इसको 10 अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा सकता है। वास्तव में मिसाइल बहुत अधिक वजन ले जा सकती है। R-36 श्रृंखला की मिसाइल का अंतिम विकास R-36M2 है, जिसमें 10,750 KT वारहेड और लगभग 11,000 किलोमीटर की रेंज है। इस श्रृंखला की मिसाइल दुनिया की सबसे लंबी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इस एक मिसाइल से कई जगहों पर इसे लक्षित किया जा सकता है। LGM-30 मिनिटमैन दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। यह वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के साथ US आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। यह 3 अलग अलग परमाणु हथियारों को ले जा सकती है, जो अलग अलग स्थानों को लक्षित कर सकते हैं, और ये अभी तक US में एकमात्र भूमि आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। डोंगफिंग 41 यानी कि DF-41, जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक की है। डोंगफिंग 41 और DF-41 परमाणु ठोस ईंधन वाली रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है और ये दुनिया में कहीं भी हिट करने की क्षमता रखने वाली दुनिया की सबसे लंबी रेंज की मिसाइल है। ये मिसाइल चीन के पास है। ये कई पेलोड्स को ले जा सकती है और Mach 25 की इसकी शीर्ष गति है। M-51 जो कि 10,000 से 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, ये फ्रांस की है। M-51 एक फ्रेंच पनडुब्बी लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल यानी SLBM है। ये मिसाइल फ्रेंच नौसेना द्वारा उपयोग की जाती है और इसे EADS एस्ट्रियम स्पेस ट्रांसपोर्टेशन द्वारा डिजाइन किया गया है। इस खतरनाक मिसाइल की रेंज 10,000 से 11,000 किलोमीटर है और फ्रांस को ये सुपर पावर बनाती है। M-51 को पूरी तरह से डूबी हुई पनडुब्बी द्वारा लॉन्च किया जा सकता है और इसमें 8 से 10 वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। UGM-133 ट्रीडेंट सेकंड जो कि 12,000 किलोमीटर की है। ट्रीडेंट सेकंड एक पनडुब्बी लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को 1990 में परिचालन किया गया था और बाद में अपग्रेड किया गया। इसे लॉकहीड मार्टिन स्पेस सिस्टम द्वारा बनाया गया है और इसका उपयोग यूनाइटेड किंगडम के US और रॉयल नेवी द्वारा किया जाता है। ट्रीडेंट सेकंड 14 वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी अधिकतम सीमा अपने हथियारों के भार से निर्धारित होती है और 7,800 से लेकर 12,000 किलोमीटर की बीच बदलती है। ये मिसाइल कई परमाणु हथियारों को ले जा सकती है और पानी के नीचे डूबी हुई पनडुब्बी द्वारा भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। Jericho 3 जिसकी रेंज 11,500 किलोमीटर है और इसका इस्तेमाल इजराइल करता है। दोस्तों आपको बता दें कि Jericho एक ब्लास्टिक मिसाइल कार्यक्रम को दिया गया कोड नेम है। Jericho 3 नवीनतम लंबी दूरी की एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर से शुरू होकर 11,500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल लगभग 1,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। इसके बाद जो अगली मिसाइल है वो है स्वदेशी निर्मित Agni-5 जिसकी रेंज है 8,000 किलोमीटर। जी हाँ, भारत में विकसित इंटरकॉन्टिनेंटल सतह से सतह परमाणु सक्षम ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि श्रृंखला में अन्य मिसाइलों के विपरीत Agni-5 अब तक का सबसे उन्नत सिस्टम है, जिसमें नेविगेशन और मार्गदर्शन, वॉरहेड और इंजन के संदर्भ में इसमें कई नई टेक्नोलॉजी शामिल है। यह 3 चरण की 17 मीटर लंबी और लगभग 50 टन वजनी है। ये मिसाइल निर्देशित सटीकता के कुछ मीटर के भीतर लक्ष्य बिंदु तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसमें रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनरटेल नेविगेशन सिस्टम यानी कि RINS लगा हुआ है और सबसे आधुनिक और सटीक माइक्रो नेविगेशन सिस्टम यानी कि MINS है। मिसाइल से लैस पहला रॉकेट इंजन इसमें लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है, दूसरे चरण में 150 किलोमीटर और तीसरे चरण में Agni-5 को पृथ्वी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक ले जाता है और अंत में ये मिसाइल 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इसे दुनिया की सबसे सटीक परमाणु मिसाइल माना जाता है।
तो दोस्तों ये है दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों इसमें से सबसे ज्यादा घातक हथियार कौन सा है और कौन सा आपको लगा, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट पे जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल एस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।